गाइस, इट्स मी राजा फानी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं गाइस? गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी अयूबिया में और मैं अपना पाइपलाइन ट्रैक शुरू करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल जो है बर्फ़ है। तो गाइस, यहाँ पर नई बात यह है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश टनल डिस्कवर हुआ है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो गाइस, हमारे साथ रहिएगा। चलिए गाइस, अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो गाइस, इस सीरीज़ में मैं आपको मरी और इसके करीब तरीन मेन अट्रैक्शन दिखाऊंगा, जिसमें अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक, एक ब्रिटिश टनल जो रिसेंटली ही एक्सप्लोर हुआ है, नथिया गली, लालाजार पार्क ट्रैक, मुश्कपुरी टॉप से डूंगा गली ट्रैक, नमली अबशार और समंदर खटा लेक शामिल हैं। तो चलिए गाइस, अपनी पहली एपिसोड पाइपलाइन ट्रैक पर वापस चलते हैं और आपको ब्रिटिश टनल भी दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये अयूबिया ट्रैक का ये गेट है और या ये देखें, ये लिखा हुआ है हिस्टोरिकल मोटो टनल, ये 540 फीट। तो यहाँ से ये रास्ता नीचे को जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। आपको मैं बताना भूल गया, आज मेरे साथ मेरे बड़े ब्रदर हैं भाई का भी ज्वाइन करते हैं मुझे। आ जाओ उस्मान भाई, अभी गाइस, जब भी आप यहाँ पर आएं तो ख्याल रखें कि यहाँ से बंदा फिसल के बहुत बुरा गिरता है। जी गाइस, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ये ब्रिटिश टनल जो ये एक्सप्लोर हुआ है, रिसेंटली एक्सप्लोर हुआ है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है और किस तरह का बना हुआ है। तो चलिए गाइस मेरे साथ। इन्होंने तो ताला लगाया हुआ है कि भाई तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा क्या काम है। इसका नाम रखा जी मोटो टनल अयूबिया नेशनल पार्क, मोटो टनल अयूबिया नेशनल पार्क। तो ये जनाब 29 अक्टूबर 2020 को इनॉग्रेटेड हुआ है। मलिक अमीन असलम साहब ने ये जो है इसका इफ्तिताह किया है। चलो ठीक है जी, अभी आप लोगों ने ये पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। इसकी लाइटें शाइटें भी बंद की हुई हैं इन्होंने। भाई लाइटें तो ऑन कर देते, हम अंदर से तो देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, हम अंदर से तो नहीं आपको दिखा सकते, बस बाहर से ही जितना दिखा सकते हैं आपको दिखाया। पाइपलाइन ट्रैक का भी आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर आइएगा, इसका भी विज़िट कीजिएगा। तो भी हम पाइपलाइन ट्रैक शुरू करते हैं और आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो जी, हम दुनिया सियाहत का बेहतरीन ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक में हम एंटर होने लगे हैं। तो इससे पहले तो मैं गर्मियों में आया था यहाँ पे, तो टोटल नक्शा चेंज था। गाइस देखें कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। इस वक्त यहाँ पर कैसा मौसम है, बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये टोटल चेंज है। इधर से आ जाए। तो जनाब, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अपने बड़े भाई का कि इन्होंने आज मुझे ज्वाइन कर लिया। वैसे मुझे लिफ्ट शिफ्ट को नहीं कराता। हाय गाइस, क्या हाल है, खैरियत से हैं सब? आपको मेरे हाल में मैंने पहले कभी नहीं बुलाया इनसे। ये मेरे बड़े भाई हैं
तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, ये मेरे लिए एजाज की बात है। जी यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं गारबेज के लिए, ये मुझे बड़ी अच्छी जगह लगती है यहाँ की। यहाँ पर प्रॉपर डस्टबिन बने हुए हैं और बैठने की भी जगह बनी हुई है। यार ये जो गिरा हुआ है ना, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया हुआ है कि ये गिरा नहीं होना हुआ चाहिए। ये देखें ये थोड़े गिरे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई फिसल के गिर सकता है यहाँ पर, तो बहुत केयरफुली जाना चाहिए यहाँ से। गाइस बर्फ से तो काफ़ी खेल चुके हैं और इस वक्त थोड़ी सी शाम भी हो रही थी, तो ट्रैक आगे तो नहीं मैं जा रहा ज़्यादा आगे तक, ठीक है। तो क्योंकि बाइक भी पीछे खड़ा है गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं। ट्रैक मैंने आपको दिखाया, टनल भी आपने देखा, तो अभी हम जाएंगे नथिया गली। कोशिश यही है कि नथिया गली में जाके वहाँ पर स्टे करें और बाकी सुबह की बात इंशाल्लाह आपसे होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।